सभी का स्वागत है, मैं हूँ प्रीति। वक्त हो चला है बिहार की फटाफट की खबरों का, तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले खबर की तरफ। बिहार में इस बार नहीं होगा सत्ता के गलियारों का चर्चित दही चूड़ा भोज, कोरोना ने इन सभी पर ग्रहण लगा दिया है। बीएसईबी ने 10वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक प्रवेश पत्र प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जारी किए हैं, ना कि अंतिम परीक्षा के लिए। शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव, सुशील मोदी की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। आरजेडी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, जांच में 12 लोगों के पॉजिटिव मिलने से कार्यालय बंद हो गया है। सीएम नीतीश कुमार पर चिराग का बड़ा बयान, महागठबंधन में भी कैसे जाएंगे जब उनकी रोटी तय ना हो जाए। क्योंकि जब तक वहां पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में ठंड के बीच अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जेडीयू विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि जातीय जनगणना पूरे देश के लिए जरूरी है, हमारे नेता नीतीश कुमार इस अभियान में लगे हुए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने से पहले गला में फंदा लगाकर वीडियो पोस्ट किया और पंखे से लटक गया। बिहार शरीफ में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिले में 5 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तैयार किए गए हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय थाना अंतर्गत महादेवा चौक पर चोरों ने शटर काटकर ज्वेलर्स दुकान से लाखों की संपत्ति चोरी कर ली, जिससे कि दुकानदारों में आक्रोश है। जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसे काराकाट से जदयू सांसद महाबली सिंह क्रिकेट खेलने के दौरान असंतुलित होकर के गिर पड़ते हैं। आरा पटना NH 30 रोड पर सकड्डी के पास एम्बुलेंस और वैन गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किए गए। हरनौत थाना क्षेत्र के इलाके में बिजली बाजार में दहेज के खातिर विवाहिता की जहर देकर के हत्या करने का मामला सामने आया है। आज के बिहार की फटाफट की खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।